नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। कवर्धा में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली गई। जी हां, इनकी मांगे ये है कि पूरे प्रदेश में 10 जून को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने हड़ताल में 47 डिग्री की भीषण गर्मी में शामिल हुए एवं अपनी मांगों को शासन से मांगा, लेकिन शासन ने कोई भी सकारात्मक पहल उनके लिए नहीं दिखाया। इसने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने वन अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर विवश होकर सड़कों पर उतर आई। इसके पूर्व भी संगठन द्वारा 50 दिन का तीजा और निर्जला हड़ताल भी किया गया था, जिसमें उन्हें घोषणा पत्र में लिखकर कलेक्टर दर देने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अध्यक्ष सोनबती बंजारे ने बताया कि लोगों की हम इतनी सहायता करते हैं, इसके बावजूद सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही। आज सभी संघों की मांग पूरी हो रही है, लेकिन आंगनबाड़ी महिलाओं जो उम्मीद कर रही है उन्हें सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन आगे चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेगा। विरोध रैली के दौरान अध्यक्ष सोनवती बंजारे के साथ बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कबीरधाम से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। जब काम लेते हैं तो सुविधा देंगे तब तो काम करेंगे। ये हम लोग 7 प्रमुख मांग को लेकर के धरना स्थल पर हम बैठे थे और ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। इस शासन को हम लोग सचेत करें, 50 दिन का भी हड़ताल किए थे। उस 50 दिन में भी यही कांग्रेस के सरकार जो भूपेश बघेल के उसके पिताजी हैं वो पंडाल में आए थे, सिंहदेव जी आए थे और उन्हीं लोगों ने अपने मांग पत्र में, घोषणा पत्र में कलेक्टर दर देंगे करके लिखे हैं और बोले थे कि जैसे हम लोग शासन में आते हैं 10 दिन के अंदर आप लोग को कलेक्टर दे देंगे। लेकिन अभी 3.5 वर्ष पूरा हो चुका है, अभी तक हम लोग का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। एक तरफ नारी का सम्मान करते हैं करके महिला दिवस में कई ढोंग आडंबर करते हैं, लेकिन आज तक यदि हमारा वाकिफ में सम्मान करते हैं तो हम लोग अपने मजदूरी ही मांग रहे हैं, सिर्फ कलेक्टर दर वो हमारा मांग को पूरा करे। यही हम शासन से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं और हम सब बहने रोड पे उतरे हैं। ये हमारी कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। यदि हमारे मांग को पूरा कर देते हैं तो बिल्कुल हम शासन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और दोबारा उस शासन को लाएंगे जो हमारा बात सुनेंगे वो हम उनका सुनेंगे। धन्यवाद मैडम। विरोध के बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का ये 3 दिवसीय था, प्रांत में तो हम लोग का रोक दिए, परमिशन नहीं दिए तो तत्काल निर्णय लिए और आवेदन देकर हम लोग यहाँ 2 दिन जिला में बैठ गए। कल 9 तारीख को सभी लोग जिला के पूरे की पूरे 1684 केंद्र है, 3200 कार्यकर्ता सहायिका सब लोग रायपुर में जाएंगे। इसके बाद भी हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो सीधा हम लोग अनिश्चितकालीन में बैठेंगे। तीजा के दिन से ही अनिश्चितकालीन में बैठेंगे ऐसा हमारे प्रांत वाले दीदी लोग बोल रहे हैं। यदि ऐसा हो तो हम लोग तीजा के दिन से ही निश्चितकालीन में चले जाएंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।